वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं हम लोगों को राबेल अपनी प्यारी सी गुड न्यूज के साथ और प्यारी सी स्माइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या सीन है आज राबेल? तो सीख साहब आप कैसे हैं, पहले मुझे ये बताओ। मैं बहुत खुश हूँ, देखिए क्रिकेट जीत गई। अब आपको समझ आई कि मैं हमेशा ही क्या कहता हूँ कि ये क्यों, ये जुमला बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये किसी वक्त भी काम आ सकता है। जहाँ चले लगा दो। नहीं, जहाँ चले नहीं, एक ही जगह चलता है, एक ही सिचुएशन में चलता है। तो कल भी क्रिकेट जीत गई। कल भी क्रिकेट जीत गई, ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक लाइन है। गुड न्यूज का आगाज कितना अच्छा हो गया, कितनी अच्छी इन्होंने बात कर दी, क्रिकेट जीत गए। तो आज के दिन की जो सबसे अच्छी, सबसे काबिले फख्र खबर है, आप लोग समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हमारे, आपके, बल्कि पूरे पाकिस्तान के फख्र, फख्र जमान की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी धुआंधार एंट्री को पूरी दुनिया के लिए यादगार बना दिया। वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के 400 से जायद रन के पहाड़ को ऐसे सर किया कि देखने वाले तो हैरान रह गए उस दिन। और क्या आपको मालूम है कि इस एक इनिंग्स में फखर ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से 63 बॉल्स पर तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड। उसके अलावा उन्होंने अपनी इनिंग्स में ताबड़तोड़ 11 छक्के मारकर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड बराबर किया, जबकि इमरान नज़ीर का वर्ल्ड कप में छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जबरदस्त। इसके अलावा फखर ने इस मैच में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के 500 रन भी मुकम्मल कर लिए। तो लगता है कि अगर बारिश ना हुई, 5000 रन भी, खबरदार तुमने नहीं प्लीज, इस पे तो पांच हजार रन का जो रिकॉर्ड था वो मुकम्मल किया, वो लगता है बारिश ना हुई होती तो मजीद कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो फखर के हिस्से में आ जाते। बिल्कुल जनाब, फखर जमान हमारा फखर है और ऐसे जबरदस्त उन्होंने इनिंग खेली है, लेकिन अभी जिसे कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसे बस सिर्फ दुआ करनी है कि आने वाले मैचेस में खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस दे। अभी कुछ ही देर में हामिद हशमत आएंगे और हामिद से भी आप सवाल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हम साथ साथ आवेजा किए जा रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, इसकी कैलकुलेशंस के हवाले से, पाकिस्तान की टीम की क्या प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हैं आगे पहुंचने की सेमीफाइनल में। 03088936949 हमारा नंबर है, इस पे आप हामिद हशमत के लिए सवाल भेज सकते हैं और अपना तज्जिया भी भेज सकते हैं कि इस वक्त क्या होने जा रहा है। फखर जमान ने कहा है ठहरो वेट अ मिनट, इधर अभी कहानी भी खत्म नहीं हुई, तो उसने एक नई कहानी शुरू कर दी। मतलब जहाँ पे आवाम जो ना ऐसे मायूस होने लगते, उम्मीद छोड़ रहे होते हैं, वहाँ पे एक ऐसा प्लेयर आता है और वो कहता है सबर, हौसला, मैं आ गया हूँ। एग्जैक्टली। तो चलें जी, अब बात हो जाए एक ऐसे खेल के मैदान की जहाँ पाकिस्तानी नौजवानों ने गोल्ड मेडल्स के अंबार लगा दिए हैं। फिफ्थ एशियन कॉम्बैक्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप हाल ही में इस्लामाबाद में शुरू हुई और पाकिस्तान के ताइक्वांडो प्लेयर्स ने चैंपियनशिप के पहले दिन में ही 9 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जहीर और अनीस ने मिक्स्ड इवेंट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। वाह। अंडर 30 मेंस इवेंट में हुसैन, मुमताज और अली ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसके अलावा अंडर 40 कैटेगरी में पाकिस्तान के शहबाज ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और जनाब खवातीन क्यों पीछे रहे, अंडर 30 इंडिविजुअल कैटेगरी में पाकिस्तान की नायला ने गोल्ड मेडल जीता। जबरदस्त, बहुत अच्छी तस्वीर भी आप राबेल हमारे लिए लेकर आई और नायला को भी बहुत मुबारक, अली, हुसैन और शहबाज को भी बहुत मुबारक। मतलब आप देखें कि हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, बस थोड़ी सी इनकरेजमेंट चाहिए इस सोने को कुंदन बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक न्यूज की। जी, अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के डेप्यूटी स्पीकर मिस्टर फिल रोम्स इस महीने के दौरान पाकिस्तान आ रहे हैं और जानते हैं उनके इस विजिट का मकसद क्या है? क्या? इस दौरे का प्राइमरी फोकस सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट की हैसियत देना है और हमने इसको ऑप्टिमिस्टिक न्यूज इसलिए कहा है कि इस रिलेशनशिप से दोनों ममालिक की जो ये कोलैबोरेशन होगी, इससे अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आने के रास्ते खुलेंगे। बहुत से शोबे जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड और सकाफत, इनमें जो है वो तावन बढ़ने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। तो जी, फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसी कोई भी पेशरफ़ जिससे मुल्क में बेहतरी आए, हमारे लिए वो गुड न्यूज़ होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जनाब, आप सभी को मालूम है कि कुछ दिन पहले राबेल हमारे लिए एक और ख़बर भी लेकर आई थी कि पिछले 3-4 साल से बीच में कोविड
आ गया और उसकी वजह से टूरिज्म और ट्रैवलिंग पूरी दुनिया में इफेक्ट हुई, लेकिन पाकिस्तान अभी भी टॉप 10 टूरिस्टिक डेस्टिनेशन में मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि ये जो भी खबर हमें राबेल ने सुनाई ये भी उस हवाले से खुशाइंद बहुत खुशाइंद बात है कि हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस दिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी कि वो डेवलप इतना हो कि टूरिज्म या कोई भी इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग है वो हमारे लिए बहुत खुशाइंद हो। तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई भी इंटरनेशनल किसी पर्सनैलिटी का विजिट, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर से, वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। बिल्कुल। चलें जी, आखिरी जो खबर है आज की वो सिर्फ गुड नहीं बल्कि इंतहाई यूजफुल, बल्कि क्या उसको कहते हैं, नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर है। दरख्तों की कटाई, आबादी बढ़ने से जंगलात सुकड़ नहीं रहे बल्कि तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। और पोल्यूशन का मसला, आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। और अब जहाँ बहुत आबादी है, अर्बन सेंटर हैं, वहाँ पर दरख्त कैसे लगाए जाएँ, तो इसका हल निकाला है सर्बिया के साइंसदान ने और उस हल का नाम है लिक्विड ट्री। अच्छा, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, आप सुने इसका कि लिक्विड ट्री में है क्या कि रोड साइड पर बेंच पर एक कंटेनर में, हाँ जी, तो ये आप बेंच देख रहे हैं, इसमें एक कंटेनर है जिसमें 600 लीटर पानी डाला है और माइक्रो एल्जी शामिल की है। ठीक है, माइक्रो एल्जी बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, इसको अर्बन फोटो बायो रिएक्टर कहा जाता है। ये माइक्रो एलजी भी दरख्तों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके साफ ऑक्सीजन हवा में खारिज करती है। वाह, ठीक है, यानी जो काम दरख्त करते हैं वही काम अब ये लिक्विड ट्री करेगी। और वो इलाके जो बहुत गुंजान आबाद हैं, दरख्तों से भरपूर, बल्कि दरख्त बिल्कुल है ही नहीं जहाँ पे, उधर इंसानों से भरपूर है, ठीक है, वहाँ इस इनोवेशन के जरिए हवा को साफ किया जा सकता है, क्योंकि साफ हवा इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये जो इनोवेशन है ये दरख्तों की चैट जीपीटी है। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली, दरख्तों की चैट जीपीटी है, एआई वर्जन है, ये एआई वर्जन है दरख्तों का। जैसे एआई जो है वो इंसानों का डिजिटल वर्जन बनता जा रहा है जहानत के एतबार से, बिल्कुल इसी तरह से दरख्तों का वर्जन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो है वो ये बनती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं लगता कि जो 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 एक असल दरख्त है उसकी एक अपनी अहमियत है, उसकी एक अपना एक वो। देखिए फातिमा, जैसे इंसानों की अपनी अहमियत है, कोई हाँ। भी एआई आ जाए वो इंसानी दिमाग को कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसी तरह हम मेरा ख्याल से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि जो मसला हम इंसानों के जरिए ना हल कर सकें या जो नेचुरली हम ना कर सकें उसका करीब तरीन मुमासलत रखने वाला हम कोई ऐसा रेप्लिका बना लें कि कल को जब हमारे पास नेचुरली दरख्तों की इतनी अफजाइश ना हो रही हो तो हम हमारे पास कोई तो हल हो, कोई ऑल्टरनेटिव तो हो। ये तो नहीं ना कि हम बस बैठ जाएं कि अच्छा जी अब दरख्त खत्म हो गए, अब हमने गंदी हवा में सांस लेना है और वही सांस अपने अंदर उतारनी है, वही हवा अपने अंदर उतारनी है। तो इसलिए लिक्विडिटी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले वक्त में इसको मजीद बेहतर बना लें, खासतौर पे उन इलाकों के लिए राबेल जहाँ पे हम, जिसे हम उर्दू में कहते हैं गुंजान आबाद इलाके। अब आप देखिए हमारे जो पंजाब के बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, गुजरांवाला है और दूसरे शहर हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं कि जहाँ पे इतनी तंग गलियां, कॉन्क्रीट पे कॉन्क्रीट चढ़ा हुआ, घर पे घर चढ़ा हुआ और वहाँ पे दरख्त लगाने की जगह भी नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह से हमें और ममालिक और बहुत से शहर मिलते हैं, इस तरह इजिप्ट की एक मिसाल हमारे सामने है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहाँ पे अब दरख्त लगाने की जगह ही नहीं रही तो वहाँ पे ये ऐसे एक डब्बा सा पड़ा हुआ है, हाँ जी, और वो लिक्विड ट्री है। बिल्कुल, और वो काम वही कर रहा है जो दरख्त कर रहा है, तो मेरे ख्याल इस हवाले से ही बहुत अच्छी खुशी। और इसको जगह भी इतनी थोड़ी सी चाहिए, बस एक कंटेनर चाहिए इसको जिसमें 600 लीटर पानी होगा और उसके अंदर जो माइक्रो एलजी की अफजाइश होगी और वो जो वही काम करेगा जो दरख्त करते हैं। मतलब आपको ये भी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा इलाका चाहिए दरख्त लगाने के लिए। देखिए इसकी रिक्वायरमेंट ये भी नहीं होगी कि इसको आउटडोर ही होना चाहिए, ये इनडोर्स के लिए भी शायद, ये अब अभी हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिए कि ये दरख्त आपके सामने है राइट साइड पे, हाँ जी, तो उसका देखिए उसने कितना एरिया घेर रखा है जी, एक दरख्त के साथ तकरीबन 2-2 फुट जी, और साथ ही ये पड़ा हुआ है, क्या इसका नाम क्या था राबे, लिक्विड ट्री जी, लिक्विड ट्री, तो इसने भी तकरीबन उतनी जगह घेर रखी है। तो ये जैसा भी राबेल आपको बता रही थी साथियों की, बहुत ज्यादा इसके लिए जगह नहीं चाहिए, जगह उतनी ही चाहिए। तो अब आप सोचें जनाब के वजीराबाद, गुजरांवाला, गुजरात, है ना जी, सियालकोट, कामुकी, हाँ। कराची के बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे बहुत ही कॉन्क्रीट का जंगल बन चुका है, जहाँ पे आप दरख्त नहीं लगा सकते, वहाँ पे कतार अंदर कतार अगर ये पड़े हुए लिक्विड ट्रीज,
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और फिर वही वाली बात कि जैसे फातिमा ने कहा कि ये असल दरख्तों को तो नहीं हटा सकते, तो क्या पता आने वाले मजीद कुछ सालों में इसको साइंसदान और बेहतर कर लें कि मजीद वो दरख्तों से करीब तर होते जाएं कि जैसे असली दरख्त हमारे लिए जो वो साफ हवा बनाते हैं ये मजीद रिफाइन हो जाए। बस देखें, इंतजार करें उस दिन का जब इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं होगा। क्या मतलब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक भी इंसान नहीं होगा और एक भी दरख्त नहीं होगा, बस रोबोट्स और एआई चल रहा होगा। क्या होगा? बस एआई होगा, हर जगह एआई के रोबोट्स चल रहे होंगे और लिक्विड फ्रीज पड़े हुए होंगे। सोचें तो सिक्स अप राइजिंग पाकिस्तान भी कोई एआई मॉडल कर रहा है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त इंसान कर रहे हैं? हम दोनों भी तो वही हैं। क्या आप इंसान? आपको नहीं पता, आप भी वही। इस सवाल का जवाब दीजिए, हमें व्हाट्सएप बताइए। आपको नहीं पता कि ये फातिमा एआई वर्जन है और ये तौसीक एआई वर्जन है। हमारे जो असल है उस वक्त घर में सो रहे हैं। हाँ। फातिमा अपने बच्चे संभाल रही है और क्या पता हमारे असल 250 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। ओके, ये और तरफ जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, इससे आगे ना करें भाई। इससे आगे नहीं, ये बहुत डरावना ख्वाब है जिसकी ताबीर मैं नहीं देखना चाहूंगा। राबेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव पाकिस्तान वक्त, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके मैसेजेस, आपकी तस्वीर, आपके सवाल, और उसके बाद आपको लेकर जाना है लोकबिरसा। रही हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।